YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सो माई गुड लाइफ में। अरे हाँ, मैं तैयारी कर रही हूँ देवथानी एकादशी की पूजा की, जिसमें मैं ये चावल के अपन से बना रही हूँ पूजा, मतलब चौक जो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ये पूजा खासकर होती है मतलब खुले में, छत में, आंगन में। अगर आपका खुला ऐसा नहीं है तो आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी रूम में कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ पीछे बालकनी में। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर दे रही हूँ, तब तक मम्मी अंदर पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो मैंने ये चावल का अपन बनाया है, इसे बनाऊँगी इस तरह से पूरे, मतलब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जो जो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर मैं मतलब चौक की तरह इसको बनाऊंगी इस पूजा में। तो यहाँ पे मैंने माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को बना दिया है और इसमें बनाऊंगी कमल का फूल, तुलसी, भगवान जी का गदा, चक्र, शंख और भगवान जी के चरण। और ये ऐसे इसमें सीढ़ी सी बनाते हैं, मतलब यहाँ से हम अपने भगवान जी के चरण घर के अंदर प्रवेश करते हुए बनाएंगे, जैसे भगवान जी हमारे घर की तरफ अंदर जाते हैं। तो ये बस इस तरह से मैंने बना ली और बस इसके बाद मम्मी सारी पूजा की सामग्री तैयार करके यहाँ पर आके पूजा करेंगे हम दोनों मिलकर। तो देखिए, हमारी पूजा की सारी तैयारी हो गई है और मम्मी ने पूजा भी शुरू कर दी है। मम्मी ये चुन्नी है जो तुलसी माता को उढ़ाएंगी और इसके बाद सारी मतलब एक एक करके सभी चीज़ें भगवान जी को चढ़ाएंगी। तो इस वाली पूजा में जो हमारे मौसमी, मतलब जब मौसम ये चेंज होता है, सर्दी का मौसम आता है, तो इसमें जो भी फल सब्जियाँ जो कुछ भी आता है तो सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे सिंघाड़ा, मूली और मतलब चने का साग, जो सारी चीज़ें इस मौसम में आती हैं और हमें जो जो मिल गया। शकरकंदी भी चढ़ाते हैं तो हमको बस फल तो हमेशा ही आते हैं, और मूली और सिंघाड़ा ये मिल गया था, और गन्ने का एक ऐसे मंडप सा बना के भगवान जी को उसी के नीचे मतलब बैठाते हैं। तो मम्मी गन्ना भी लाई थी तो मंडप हमसे सही नहीं बन रहा था, तो बस ऐसे ही पास में टिका दिए थे। और इसी तरह से सारी चीज़ें चढ़ा कर पूजा करते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं कोपले होते हैं वो, तो इसे भगवान जी को थोड़ी से मतलब तपाया जाता है कि सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो भगवान जी को भी आग जला के थोड़ी देर उनको ऐसे मम्मी ने आग दिखा दी थी हाथ से। और बस हमारी पूजा हो गई है। और आपको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए व्यूवर्स हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।